भारत अम से रहे तो अमन होगा, वरना हम बड़े गर्म हैं। समझौता एक्सप्रेस पीर से भारत रवाना होगी, भारतीय पायलट को वापस करना हल्की फुल्की मौसीकी है। पाक फजाइया एक ही नहीं, 10 भारतीय पायलट पकड़ सकती है। भारतीय फौज किसी सूरत भी पाक फजाइया का मुकाबला नहीं कर सकती। हरीसा खाने गया, लाहौरियों ने कहा जंग नहीं हुई, मजा नहीं आया। वजीर रेलवे शेख रशीद की मीडिया से गुफ्तगू। सत्तर साल बाद भारत तकसीम पाकिस्तान मुत्तहिद। पाकिस्तान की सियासी अस्करी क्यादत और मीडिया ने जिम्मेदारी का मुजाहिरा किया। वजीर आजम की पॉलिसीज पर सबको एतमाद है। हम भारत को आज भी मुजाकरात की दावत दे रहे हैं। कश्मीर का मसला हल करना होगा, वफाकी वजीर इत्तला'आत फवाद चौधरी का सुपीरियर यूनिवर्सिटी में तकरीब से खिताब। हमको उनसे वफा की है उम्मीद, जो नहीं जानते वफा क्या है। भारत ने जिंदा इंसान के बदले मुर्दा थमा दिया। भारतीय जेल में कत्ल, शाकिरुल्ला की मैयत आज पाकिस्तान के हवाले की जाएगी। लवाहिकीन मैयत वसूल करने वाहगा बॉर्डर पहुंच गए। शाकिरुल्ला का जहनी तवाजुन दुरुस्त नहीं था। शाकिरुल्ला की हिफाजत भारतीय जेल इंतजामिया की जिम्मेदारी थी। अहले खाना की गुफ्तगू। पाक फौज दोस्त को धोखा, दुश्मन को मौका नहीं देती। हसन सिद्दीकी पूरी कौम का फख्र है। मोदी को चाहिए अब सियासत छोड़कर चाय बेचे। वजीर आजम ने अभिनंदन को छोड़कर अमन का पैगाम दिया। वजीर इत्तला'आत फयाजुल हसन चौहान की आरिफ मेमोरियल अस्पताल में मीडिया से गुफ्तगू। तनख्वाहें मिल गई, सफाई ऑपरेशन फिर भी सुस्त रवि का शिकार। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में पड़ा कूड़ा इंतजामिया को मुंह चढ़ाने लगा। अंदरून शहर समेत दीगर इलाकों में गंदगी ढेर से ताफुन फैलने लगा, शहरी परेशान। अमला नहीं, दफ्तरी अमूर कैसे चलाए। वासा इंतजामिया को 250 नए मुलाजमीन की जरूरत। वासा मुलाजमीन और अफसरान मुस्तकिल मेडिकल ऑफिसर से भी महरूम। एमडी वासा ने भर्तियों की इजाजत के लिए एलडीए को मुरासला भेज दिया। एफआईए में टाउट और प्राइवेट अफराद का राज, डायरेक्टर एफआईए जोन 2 ने भी तस्दीक कर दी। तमाम सर्कुलर्स के इंचार्ज को दफातर से प्राइवेट अफराद को फौरी निकलने का हुक्म, मुरासला जारी। साने साहिवाल जेआईटी सरबरा की जिम्मेदारियों में इजाफा। एडिशनल आईजी एजाज शाह को डीजी एंटी करप्शन पंजाब का इजाफी चार्ज सौंप दिया गया। चीफ सेक्रेटरी पंजाब यूसुफ नसीम खोकर ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। चौधरी बरादरान के खिलाफ इंक्वायरीज को बंद करने का मामला, 9C रेफरेंस पर हतमी मंजूरी के लिए दायर दरखास्त पर समाप्त 9 अप्रैल तक मुलतवी। चौधरी बरादरान के खिलाफ एलडीए सिटी में प्लॉटों का केस चल रहा था, इंक्वायरी में पता चला प्लॉट चौधरी बरादरान के मुलाजिम ने खरीदी। चेयरमैन नैब ने इंक्वायरी बंद करने की मंजूरी दे दी, नैब तफ्तीशी अफसर के दलाए। ESL 4 के इंतजाम, वजीर आला पंजाब ने जायजा इजलास तलब कर लिया। इजलास में मैचेस के इंतजाम और सिक्योरिटी सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी जाएगी। बागवानपुरा में तहरे कातल का मामला, 5 रोज बाद भी पुलिस मुलजिमान को गिरफ्तार न कर सकी। मुलजिमान के बैरून मुल्क फरार होने का खदशा, पुलिस ने मुलजिमान के नाम ECL में डालने की सिफारिशात महकमा दाखिला को इरसाल कर दी। और स्कैंडल क्वीन की मुश्किलात कम होने लगी। सेशन अदालत में निकाह पर निकाह के खिलाफ दरखास्त पर समाअत। अदालत ने मीरा के खिलाफ फौजदारी कार्रवाई ताहुक में सानी रोक दी।